हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और लेकिन मौसम कैसा हो रखा है, धूप लगी है बहुत तेज और चारों तरफ ऐसे धुंध लगी है ना, मतलब जैसे आग लगी होगी। ये देखिए इस साइड तो ज़्यादा हो रखा है। और अभी मुझे जाना है खेत में। ये देखिए रोटी रखी है मैंने, इसमें पानी रखा है क्योंकि वहाँ पर चल रहे काम। हल लगाने के बाद जो काम होता है ना, जैसे झंगोरे में जो ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो उसको निकाला जाता है। तो बस वो लोग चले गए, सुबह 5 बजे चले गए थे दादाजी लोग और मैं उनको रोटी देने जा रही हूँ। ये रोड हो गई यहाँ पर और ये हमारा खेत है, तो इसमें हमने झंगोरा लगा रखा है तो यहाँ पर भी ज़्यादा खरपतवार हो गई, तो इस यहाँ से भी निकालेंगे। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है तो अभी मैं अपने खेत में पहुंच चुकी हूं। और ये देखिए ये झंगोरा लगा रखा हमने, अभी तो बहुत छोटा रखा है तो इस वजह से इसमें जो खरपतवार हो रखे है उसको निकालना ज़रूरी है, अभी बाद में तब गुड़ाई होगी। इस साइड को हमारे दो खेत हैं, एक ये वाला हो गया पूरा वहाँ तक जहाँ से रास्ता दिख रहा है आपको, और एक ये वाला नीचे वाला हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर दादाजी भी आ गए हैं, ये देखिए ये जो रस्सी से दिख रहा है आपको ये लगा रखा है जो मुँह पे, वो इसलिए लगा रखा है ताकि मतलब ये झंगोरा खा देंगे नहीं तो पूरा, इस वजह से। तो अभी यहाँ पर बैलों को बांधा जा रहा है क्योंकि रोटी खाएंगे नाश्ता करेंगे इस वजह से, नहीं तो इधर उधर भाग जाएंगे। ये जो लकड़ी दिख रही है आपको ये बहुत ही मजबूत लकड़ी से बनाया जाता है, मतलब बांझ से भी मजबूत होता है। एक त्यूंज नाम का वो होता है ना पेड़ है, तिलौंज, अच्छा अच्छा तिलौंज। तो ये देखिए बहुत नुकीला है नीचे से, ये इस टाइप का है, इसको ऐसे पकड़ते हैं फिर लगाते हैं। तो अभी दादाजी बोल रहे हैं कि पहले हम इसमें लगा देते हैं फिर उसके बाद करेंगे नाश्ता, क्योंकि थोड़ा सा है ना वहाँ तक। तो देखिए और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झंगोरा हो रखा है, ये देखिए तो खरपतवार भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से निकालना पड़ता है इसको ताकि जब गुड़ाई होगी तो मतलब दिक्कत ना हो। यही है खरपतवार जिसको निकाल रहे हम, और ये मतलब पूरा बंजर कर देता है खेत, जैसे ये है ना इस टाइप से, मतलब पूरा फैल जाता है खेतों में, तो इसको निकालना ज़रूरी होता है। नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर अभी, और ये हमने बैलों के लिए भी ला रखा है, झंगोरे से बना होता है, इसको पेंडो बोलते हैं गढ़वाली में। प्याज की सब्जी बना रखी है, ये घर के प्याज, हमारे घर के प्याज के हैं, मतलब हमारे खेत के प्याज की सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, स्वादिष्ट। चाय थोड़ा काली हो गई क्योंकि थर्मस में रखी थी। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं गाय के लिए हरा चारा खाती हूँ, हरी घास। Thank you.
घास काट लिया क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं हो रखी ना घास, अभी मतलब उग रही है, तो इतना ही ले जाऊंगी मैं फ़िलहाल इस पर बांध के। तो अभी मैं घर पे जा रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं है वहाँ पर, और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, शक्ल देखिए। तो घर पे पहुँच गई मैं और अभी हम जा रहे हैं भीमल के लिए, जिससे हम जिसको सिर पे लगाएंगे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है, तो भीमल को सिर पे लगा के ना बहुत ही ज़्यादा ठंडक पड़ती है, और हम वही जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए ये है भीमल का पेड़ और इस पर ना फूल आ रखे आजकल, ये देखिए इस पर हरे हरे पत्ते हो रखे बहुत। इतना बहुत है ना, बहुत इतने ले जाएंगे, इतना बहुत है वैसे। ये बच्चे देखो कितनी धूप में काम कर रहे हैं, लकड़ियाँ ले जा रहे हैं घर पे। प्रीति आ गई खेत से। हेलो गाइस, गुना को जी रहे। अच्छा गुना हुआ ना, मैं साइड देखना मेरा वो कुछ टकलू दादी ने नहलाया उसको अभी। तो वैसे मैंने पहले भी बना रखी है इस पर एक वीडियो कि मतलब भीमल से शैम्पू कैसे बनता है, बहुत पहले बना रखी थी जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, लेकिन आज भी थोड़ा सा बहुत आपको बता देती हूँ कि कैसे बनता है भीमल का शैम्पू। और इसको ना ऐसे निकालना पड़ता है, इसके ऐसे इस टाइप से निकालना पड़ता है। फिर कभी बताऊँगी, अभी तो नॉर्मली कर रहे हम। अभी मैं यहाँ पर फूल में पानी डालूंगी क्योंकि आजकल सुबह शाम डालना पड़ता है धूप बहुत तेज होने की वजह से। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, और मेरा नाम है संध्या नेगी। तो आपको तो पता ही होगा मैं रोज ब्लॉग बनाती हूँ, मौसी से सीख के बनाती हूँ, पर अब तो मैं बहुत सीख गई हूँ, आपको पता ही है। और आकू को देखो, आपको पता ही होगा सर में मैंने घ्यून लगाया, घ्यून। और ये आकू भी ना, अरे लाइट छा के, लाइट छा गया, अरे 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 मुझे घुमा, हमें गिर गई थे बस। तो दोस्तों अभी लाइट खोल रही हूँ मैं, खुल गया। मौसी ने मुझे ब्लॉग सिखाया था और मैं मौसी से सीख के ब्लॉग करी। अरे हाँ ना, आपके घर हमने दे करी हम मत करो। और तो घ्यूर बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगी, मेहनत नहीं लगी यार, ऐसे ही बनाते हैं घ्यूर, घ्यूर में कुछ डालते ही भी नहीं है। ये आंखों को देखो, देखो ये मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन है। आपको तो पता ही होगा भाई तो दिल्ली है, दिल्ली है ना, हाँ तो ये मेरी बहन है। तो इसको हमने सर में रखा हूँ, रुको दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको खो देखना, ये वो लग गया होगी आपसे। हाँ आपको टायर से पकड़ना, बको दो। हाँ तो इस अक्कू को यह मेरे शक्ल नहीं दिखा रही, ये देखो। हाँ ब्लॉग तो बनाएंगे अच्छे से। अरे तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे भी किस काम के लिए बना रही है। अरे आ रही हो, बना लिया, बना ले तुमने ब्लॉग, ब्लॉग संध्या बना रही थी यहाँ पर ब्लॉग, बोले कि मौसी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत शौक है वीडियो बनाने का, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। दादी के सिर पे कपड़ा बांध रही है आपको। कपड़ा बांध रही टकला। गाना भी लगा, गाना अट बे तू, आपको नहीं भूनी चाहिए।